જાગે છો, જાગૃત છો એકદમ. થેન્ક યુ. જાગૃત હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. મોર્નિંગ મેમ. મોર્નિંગ માનવી મેમ. કેસે હૈ આપ સબ? ફાઇન. ઓકે, ચાલો. તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શું કર્યું હતું, ચાલો કોણ કહેશે? હેલો, હિન્દી ભણ્યા હતા. હા, તો હિન્દીના લેક્ચરમાં હિન્દી જ ભણ્યા હોય ને બેટા? હિન્દીમાં શું ભણ્યા હતા એ હું પૂછું છું. અમને કોણ સા ચેપ્ટર સમજાતા બેટા? કિસી કો યાદ નહીં હૈ? યોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. યસ, વેરી ગુડ. કર્મ યોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તો ઇસકે હમને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જી કે જીવન કે બારે મેં જાના, ઉસકે સ્વભાવ કે બારે મેં જાના, ઉસને કોણ કોણ સે કામ કિયે હમારે દેશ કે લિયે, વો કિતની બાર જેલ ગયે, બાદ મેં વહ પ્રધાનમંત્રી પદ તક પહોંચે, યે સભી હમને ઇસ લેસન મેં જાના ઓર સમજા. તો અબ હે હમારા લેસન નંબર 5, વો એક દોહે હે ઉસમે, યાની કી પદ. દોહે કા મતલબ ક્યા હોતા હે? પદ. જૈસે કવિતા મેં પદ આતે હે, પંક્તિ આતી હે, એસે હી દોહે મેં પદ આતે હે. તો યહાં પર હમે કબીરજી, રહીમજી, તુલસીદાસજી, ઇન સબને હમે કુછ પદો મેં સભી લોગો કો કૈસા જીવન જીના ચાહીએ ઓર સબકે સાથ કૈસા વ્યવહાર કરના ચાહીએ, યે સમજ દી હે. તો સંસાર મેં રહેકર હમે હમારા વ્યવહાર કૈસા કરના ચાહીએ, તો ઇસ પદ મેં હમે સમજાયા ગયા હૈ. તો પ્રસ્તુત દોહો મેં કબીર, રહીમ, તુલસીને બહુ સારી જીવન ઉપયોગી હમે બાતે બતાઈ હૈ. તો પ્રસ્તુત દોહો મેં હમે દાન પ્રિયતા, સંતોષ, સમાનતા, સચ્ચી સંગતિ કા મહત્વ ઓર વિનમ્રતા, પરિશ્રમ આદિ જીવન મૂલ્યો કો નિર્દેશિત કિયા ગયા હૈ. ઓર યહાં પર હમે સંતો કી વાણી સભી ભારતીય ભાષાઓ મેં મિલતી હૈ. તો યહાં પર હમે હિન્દી મેં ભી અનેક સંતોને રચનાએ રચી હૈ જો આજ લોકપ્રિય હૈ. તો એસી હી રચના હમે આજ યહાં પર દી ગઈ હૈ. તો યે સભી જો દોહે હૈ વો સરળ તો હૈ ઉપર શિક્ષાપ્રદ ભી હૈ, યાની કી હમે કુછ સિખા કર જાતે હૈ. તો ઇનમેં હમે દાન પ્રિયતા, સંતોષ, સમાનતા, સત્સંગ, વિનમ્રતા, પરિશ્રમ, પ્રેમ આદિ સભી જીવન મૂલ્યો કા મહત્વ બતાયા ગયા હૈ. તો સંત કબીર જો હૈ વો 15મી શતાબ્દી કે કવિ હૈ. ઉન્હોને હિન્દુ તથા મુસલમાનો કો ઉનકી ગલતીઓ કે લિયે ફટકારા હૈ, યાની કિ ઉને સમજાયા હૈ ઓર દોનો કો મિલજુલ કર રહેને કા ઉપદેશ દિયા હૈ. ઇસકે બાદ હૈ રહીમ કા નામ પૂરા અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના હૈ. આપ બડે ઉદાર ઓર અનુભવી થે ઓર હિન્દી મેં આપને બોધપ્રદ દોહે લિખે હૈ જિનસે દૂસરો કો સિખ મિલે. इसके बाद है संत तुलसीदास. संत तुलसीदास जी जो है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है. यहाँ पर हमें पहले कबीर जी के दोहे दिए गए हैं, तो उनमें है 3 दोहे. तो ये 3 दोहे जो है उनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो चलो देखते हैं पहले दोहे को, यानी कि पहले दोहे में है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. यानी कि कवि कबीर जी कहते हैं कि साईं आप हमें इतना दीजिए धन और पैसे इतने दीजिए कि जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो सके. जामे यानी कि जहां पर. जहां पर जामे का मतलब होता है कि जिसमें,
जहाँ पर कुटुम्ब यानी कि कुटुम्ब परिवार, समाय यानी कि उसका पालन। हेलो, किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो। चलो, जहाँ में कुटुम्ब समाय यानी कि जिसमें मेरा भरण कुटुम्ब का भरण पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, यानी कि मुझे इतना धन और पैसे दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आए कोई साधु संत भी भूखा वापस न जाए। हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए कि जिससे हमारी मोक्ष हो सके, लेकिन हमें इतना तो दीजिए जिनमें से मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए और मैं भूखा भी ना रहूं और मेरे घर पर आया कोई मेहमान या साधु संत जो है वो भी भूखा न जाए। इसके बाद है नंबर दो, बिना विचारे जो करे तो पाछो पछताए। बेटा, किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो। किजर वीरानी पार्टनर गेमिंग। चलो माइक म्यूट करो बेटा, दोनों का माइक चालू है। हेलो किजर, हुआ? ओके, पार्टनर गेमिंग भी चालू। बिना बिचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाए। यानी कि जो व्यक्ति बिना विचारे ही काम करता है वो पीछे से पछताता है। पाछो का मतलब होता है पीछे से पछताए है। काम बिगाड़े आपनो यानी कि हमारा खुद का काम तो बिगड़ता ही, आपने का मतलब होता है हमारा, हमारा काम तो बिगड़ता ही है, साथ साथ में जगत में हमारी हंसी भी होती है। तो हमें कभी कोई भी काम बिना सोचे समझे करना चाहिए नहीं। इसके बाद है नंबर तीन, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। यानी कि यहाँ पर कबीर जी जो है वह बाजार में खड़े हुए यानी कि सबके सामने सबकी खैर मांगते हैं। खैर का मतलब होता है खैरियत, कुशलता या सबका ख्याल, यानी कि सबकी खैर मांगते हैं यानी कि सबकी कुशलता मांगती है। ना काहु से दोस्ती ना काहु से प्यार, काहु का मतलब होता है किसी से। वो कबीर जी कहते हैं कि ना ही मेरी किसी के साथ दोस्ती है और ना ही किसी के साथ दुश्मनी, मेरे लिए सब व्यक्ति समान है, मैं सबके लिए कुशलता मांगता हूँ। तो चलो, सबको ये तीनों पद समझ में आ गए बेटा? हेलो, यस मैम, यस, एक बार समझा दूँ फिर से? यस मैम, समझा दूँ या आ गया समझ में? नहीं, समझा दूँ। ओके, बाद में मैं आपसे पूछूंगी, हाँ आपको आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ओके, पहले दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, यानी कि जामे यानी कि जिसमें, कुटुंब का मतलब होता है परिवार और समाय का मतलब होता है पालन पोषण होना, भरण पोषण होना। यानी कि हमें साई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो देना कि जो मेरा परिवार जो है उनका भरण पोषण हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आए कोई भी साधु संत या मेहमान जो है वो भूखा जाए नहीं। इसके बाद है नंबर दो, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाए। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि हमें कोई भी काम जो है वो सोचे समझे बिना करना चाहिए नहीं, नहीं तो हमें पीछे से पछताने की बारी आती है और हमारा काम तो बिगड़ता ही है, साथ साथ में जगत में यानी कि हमारे संसार में हमारी हंसी भी उड़ती है। उसके बाद है नंबर तीन, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। यानी कि यहाँ पर कबीर जी जो है वो हमें समझाते हैं कि मैं सबके सामने खड़ा रहकर सबकी कुशलता चाहता हूँ, यानी कि सबकी खैर चाहता हूँ। वो बाजार में खड़े रहकर सबके सामने वो सबकी कुशलता मांगते हैं। वो कहते हैं कि सबकी भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, मेरी ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। बेर का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है बेर का मतलब? दुश्मनी, बराबर है? दुश्मनी, यस। इसके बाद है रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे में हमें पहले दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे को मांगने चाहे, उनते पहले वे मुए जिन्हें मुक्त निकलत नाही। यानी कि यहाँ पर हमें रहीम जी समझाते हैं कि जे को मांगन चाहे, यानी कि जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाए, जे को मांगन चाहे यानी कि कहीं मांगने जाए। उनते पहले वे मुए जिन मुख सत निकलत नाही, यानी कि उनसे, उनते का मतलब होता है उनसे। पहले वे मुए यानी कि मुए का मतलब होता है मरे, जिन मुख सत निकलत नाही यानी कि जिनके मुख से ना निकलती हो। निकसत का मतलब है निकलना। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हमें हो सके तो किसी के पास मांगने जाना चाहिए नहीं, और यदि हमारे पास कोई मांगने आए तो हमें कभी ना कहनी चाहिए नहीं, हमसे जितनी हो सके उतनी हमें मदद करनी चाहिए, बराबर है? तो हमें कभी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बड़ाई करनी नहीं चाहिए कि जिनसे हमें कभी भी दूसरों के पास हाथ फैलाने मांगना जाने पड़े, क्योंकि हमारे बजट के बाहर हम चलेंगे तभी हमें दूसरों के पास मांगने जाना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारे दोस्त चाहे कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले, साइकिल ले, या कुछ भी खिलौने ले, या महंगे महंगे कपड़े ले, लेकिन हमें हमारे बजट के मुताबिक ही चलना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि मुझे आप ये वस्तु दिलाइए दिलाइए, बराबर है? कभी हमें जिद करनी चाहिए नहीं। यदि उनसे वो सब हो सकेगा तो वो हमें प्रेम से ही सब दिलवा देंगे, लेकिन हमें अपने माँ बाप को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या किसी के पास मांगने जाना पड़े ऐसा समय कभी लाना चाहिए नहीं। तो उनसे पहले वे मुए जिन मुक्सत निकलत नाही, यानी कि उनसे पहले वे मर चुके लोग हैं जो दूसरों को मदद नहीं करते हैं। उसके बाद है नंबर दो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि हमें हमारी दोस्ती किसी भी व्यक्ति के साथ, कैसे भी व्यक्ति के साथ हो, लेकिन हमें उसकी असर होनी चाहिए नहीं। यदि कोई अच्छे व्यवहार वाला हमारा फ्रेंड है तो उनसे हमें अच्छे गुण लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई गलत व्यक्ति है जो हमारे दोस्त है तो कभी हमें उनके गुण अपनाने चाहिए नहीं। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे घर से पॉकेट मनी नहीं देते हैं तो अपने ही घर से चोरी करते हैं, पैसे चुरा चुरा कर बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, नाश्ते करते हैं, कुछ किसी के साथ कहीं भी फिल्म देखने चले जाते हैं, बड़े हो जाएंगे तो बाद में ये सब करने लगेंगे, अपने ही घर से चोरियां करने लगेंगे।
तो ऐसे हमारे दोस्त हो तो हमें उसकी संगति में पड़ना नहीं है। यदि हम उसकी संगति में है तो भी हमें उनके जैसा व्यवहार हमारे घर पर करना नहीं चाहिए। जैसे कि चंदन का वृक्ष जो है वो बहुत पवित्र माना जाता है, जो हिंदू धर्म के मुताबिक उसे पूजा पाठ में उपयोग में लिया जाता है, चंदन का पेड़ का, चंदन की लकड़ी। तो चंदन की लकड़ी इतनी पवित्र है तो उसके ऊपर सांप जो है वो लिपटे रहते हैं, यानी कि वींटाड़ाएला होय छे, पण चंदन ना वृक्ष ने सांप नी जहर नी कोई ज असर थती नथी। तो एवी ज रीते आपणे पण શું કરવું જોઈએ, આપણી સાથે ઘણા એવા ખરાબ લોકો કેમ ન હોય, પણ આપણે તેની અસર આપણી ઉપર થવી જોઈએ નહીં। થઈ શકે, બની શકે તો આવા લોકોથી આપણે દૂર જ રહેવાનું, અને ઈ છતાંય જો એવું બને કે ન રહી શકતા હોય તો પછી ઈ જ લોકોને આપણે આપણી જેવા સારા બનાવી દેવાના છે, બરાબર છે, નહીં કે એના ખરાબ ગુણ આપણે આપણામાં લેવાના હોય છે। ઘણા કેવું કરે છે કે પોતાને ન ભણવું હોય એટલે ફ્રેન્ડ્સ ને કે તું તો શું હવે આખો દિવસ ચોપડા લઈને બેઠો હોય છે, નામ કરે છે ને તેમ કરે છે, કાઈ લેસન કરવું નથી, કાઈ બુક કમ્પ્લીટ કરવી નથી, ઈ તો બધાય કીધા કરે, ઈ તો બધાય કર્યા કરે, આપણે કાઈ કરવું નથી। તો એવા દોસ્ત ને આપણે સમજાવવાનો કે ના, આ બધું કરવું જોઈએ, આપણે ભણશું નહીં તો આપણે શું કરશું, ભણ્યા વગર અત્યારે કઈ જ નથી, નહીં તો પછી આપણે પણ મજદૂરી કરવી પડશે, કોઈના હાથ નીચે આપણે કામ કરવું પડશે, બરાબર છે। તો એના કરતા બેટર છે કે આપણે મહેનત કરીએ, આપણે ભણીએ, બરાબર છે। તો કોઈની કુસંગીતીમાં આવીને આપણે તેના જેવું બની જવાનું નથી, આપણે આપણો સારો સ્વભાવ જે છે એ છોડવાનો નથી। એના પછી આવે છે નંબર 3, બડે બડાઈ ના કરે બડે ન બોલે બોલ, રહીમન હીરા કબ કહે લાખ ટકા મેરો મોલ। यानी कि यहाँ पर रहीम जी ने जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले अभिमानी लोग हो इन्हें पटकारा है कि हमें कभी अपने ही आप अपनी ही अपनी बड़ाई करते रहना नहीं है। चाहे हमें कुछ भी क्वालिटीज हो, हम कैसे भी बड़े पद पर जाकर बैठे हो, हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी है। कोई दूसरे आकर हमारी बड़ाई करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम ही हम अपनी बड़ाई करते रहेंगे तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें कभी अभिमान में आकर अपनी बड़ाई करते रहना नहीं है। हीरा जो है, डायमंड जो है, उसकी कीमत कितनी होती है, फिर भी वह किसी को अपनी कीमत बताता नहीं है। हीरा की कीमत जो है, डायमंड है, वो लाखों करोड़ों की कीमतों में बेचा जाता है, लेकिन वह कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करता है। तो सबको ये रहीम के दोहे समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज, हेलो, સંભળાય છે બેટા? યસ મેમ। હા, તો બધાને સમજાય ગયા છે બેટા? હેલો, યસ મેમ, સમજાઈ ગયું છે બરાબર? હેલો બોયઝ, કે રિપીટ કરું પાછું? હેલો, યસ મેમ, રિપીટ કરવું છે કે સમજાઈ ગયું છે બધાને? યસ મેમ, ઓકે, ચાલો હવે જોઈએ તુલસીદાસ ના દોહા। ઓકે ઓકે બેટા, હવે જોઈએ આપણે તુલસીદાસ ના દોહા। તો તુલસીદાસ કે દોહે મે નંબર 1 હે, આવત હી હર્ષે નહીં નૈન નહીં સને, તુલસી વહન જાઈએ કંચન બરસે મેઘ। યાની કે આવત હી હર્ષે નહીં, આવત કા મતલબ ક્યા હોતા હે, આને પર, आवत का मतलब होता है किसी के आने पर, ही का मतलब होता है हृदय में, ही का मतलब क्या होता है, हृदय में। हर्ष का मतलब होता है खुश, नहीं का मतलब होता है नहीं प्रसन्न होना, नैनन का मतलब होता है आंख नेत्र नयन, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पर हमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं तो हमें देखकर यदि वो खुश न हो
तो ऐसे लोगों के घर हमें जाना चाहिए नहीं। तो जिनकी आंखों में हमें स्नेह की भावना न दिखे उनके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही क्यों ना उनके घर पर सोना बरसता हो। कंचन का मतलब होता है सोना और मेघ का मतलब होता है बारिश। तो क्यों ना उनके घर पर बादल कंचन यानी कि सोने के बादल बरसते हो, फिर भी हमें ऐसे लोगों के घर जाना चाहिए नहीं। हम जहाँ पर जाते, यदि आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जो बड़े लोग हैं ना, उन्हें गेस्ट आए कोई या तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि हम अपने से गरीब के घर जाएंगे तो बहुत खुश होंगे, है ना। जो पैसे वाले लोग हुए उनके घर यदि हम जाएंगे तो वो शायद हमें ठीक से मान पान देंगे या ना देंगे, लेकिन गरीब लोग जो है, हमसे छोटे लोग है, उनके घर हम जाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो जो लोग हमें देखकर खुश न हो ऐसे लोगों के घर हमें जाना चाहिए नहीं। क्यों ना भले नहीं उनके घर पर सोना क्यों ना बरसता हो, लेकिन ऐसे लोगों के घर हमें जाना चाहिए नहीं। उसके बाद है नंबर दो, विद्या धन उद्यम बिना कहां ज पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। यानी कि यहाँ पर हमें तुलसीदास जी समझाते हैं कि विद्या धन जो है वो मेहनत किए बिना नहीं मिलता है। उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, यानी कि परिश्रम के बिना हमें विद्या नहीं मिलती है। और कहो जो पावे कौन, यानी कि कौन पा सका है, आप ही बताए। कहो यानी कि आप ही बताए, जू पावे कौन यानी कि कौन इन्हें मेळवी शके छे। तो बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन, यानी कि आप सबने देखा होला वो हेडफोन आते हैं ना, जिनसे हम गर्मी में या ट्रैवलिंग में कि कहीं और जा रहे हैं तो हम साथ में ले जाते हैं ना, तो वो हैंड फैन जो है उसे भी हिलाना पड़ता है तभी हमें पवन मिलता है, हवा मिलती है, नहीं तो हमें नहीं मिलती है। तो वैसे ही विद्याधन पाने के लिए हमें मेहनत करनी जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है, तभी हमें विद्याधन प्राप्त होगा। यदि हमें विद्याधन प्राप्त नहीं होगा तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें किसी के यहाँ काम के लिए किसी के हाथ नीचे काम करना पड़ेगा। यदि हम पढ़ लिख कर होशियार होंगे तो हमारे नीचे कई सारे लोग काम करेंगे, है ना। तो हमें पढ़ाई में ध्यान देना है। तो सबको ये दो है वो समझ में आ गए बेटा, तुलसीदास के पद जो है वो समझ में आ गए बॉयज। हेलो, हेलो, हाँ बेटा, पता नहीं समझाया गया अभी दोहा। यस मैम। हेलो, सारी रीते बीजी बार रिपीट करो बेटा, के समझाएगी उसने। नो मैम। ओके चलो, एक ने समझाया बराबर है, बीजा कोई ने नहीं समझाया, बीजा कोई जवाब आपता नहीं, बराबर है। જોઈન્ટ થઈને પછી સુઈ ગયા છે કે નાસ્તો કરવા વયા ગયા છે, શું કરો છો તમે બધા? ચાલો હવે જોઈ લઈએ આપણે શબ્દાર્થ। શબ્દાર્થ નો પહેલા શબ્દાર્થ હે વહ કુટુંબ, યાની કે કુટુંબ પરિવાર। ખેર કા મતલબ હોતા હે કુશળ, ઓર નાદ કા મતલબ હોતા હે આવાજ ધ્વનિ। કુસંગ કા મતલબ હોતા હે બુરી સંગત, और भुजंग का मतलब होता है साप सर्प। नैनन का मतलब होता है आंखों में नेत्र में। हर्षे का मतलब होता है खुशी। कंचन का मतलब होता है सोना। मेह का मतलब होता है मेघ। और उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। कौन यानी कि हवा और पवन। खान खाना यानी कि सरदारों का सरदार।
इसके बाद अब है प्रश्न नंबर वन, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। तो यदि हमारे पास समय रहा तो हम ये करेंगे, बराबर है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं उनके हमें समानार्थी शब्द बताने हैं। तो उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, खेल का मतलब होता है कुशलता, कुसंग का मतलब होता है खराब संगति, कंचन का मतलब होता है सोना, जपमाला का मतलब होता है जप करने की माला, और दुख का मतलब होता है दुख, भुजंग का मतलब होता है साप, और हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष प्रसन्न, बराबर है। इसके बाद प्रश्न नंबर थ्री, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें है नंबर वन, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो आप क्या मांगना चाहेंगे? इसका आंसर मुझे आप सबसे चाहिए, बराबर है। इसका आंसर मैंने बताऊंगी। आप यदि भगवान से मांगना चाहेंगे, ईश्वर से, तो क्या मांगेंगे अल्लाह से? चलो मुसाणी, हेलो मुसाणी, मोइनुद्दीन मैम, यस खुशी बेटा, समझा तो पड़ना बराबर, थोड़ा जोर से बोलो। माँ बाप के लिए दुआ करें मैम, खुशी, यस माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, और क्या मांगेंगे? खुशी, खुशी, खुशी मांगेंगे, वेरी गुड, और क्या मांगेंगे? अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? रोज आप अल्लाह से प्रे करते हैं तो उसमें आप क्या मांगते हैं? दुआ करते हैं ना, यस मैम, यस। तो इसके बाद है, अब अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? चलो इसका आंसर कौन बताएगा? यदि हमारे दोस्त अच्छे दोस्त है तो उनसे हमें क्या लाभ होता है, वो उसका आंसर भी आपको ही बताना है। जैसे कि अपना बुरा दोस्त है तो उसके साथ रहेंगे तो आप हमें भी बुरा बोलेंगे कि ये भी बुरा बोले, यस। यदि हम अच्छे हैं फिर भी सब हमें बुरा कहेंगे, वेरी गुड, ओके। चलो इसके बाद और, अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छी बात सीखोगे, अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे व्यक्ति की संगति में हम रहेंगे तो हमने यदि कोई बुरी आदतें हैं तो वो भी हम छोड़ देंगे, है ना, और हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे। लेकिन मैं मम्मी के पास लाऊं, ओके कोई बात नहीं, और हमारे चरित्र भी अच्छा बनेगा, हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे, और हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, और हम समय का सदुपयोग भी करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अभी हमारा पढ़ने का समय है तो हम पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही हम सबको देखते रहेंगे, ये तो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कितना ये करते वो करते, तो ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हमारे पढ़ाई का पूरा समय है तो हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, बराबर है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यदि हमने ये सब नहीं किया अभी तो बाद में हम ये सब वस्तु पाने के लिए बुरे काम करेंगे, यानी कि झूठे काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम
हमने हम अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देंगे, नहीं कि इधर उधर कहीं के दूसरे कामों में, बराबर है। तो यदि बुरी संगति होगी तो हम में दुर्व्यसन भी आ सकते हैं, जिनसे हमारे पैसे तो खराब होंगे ही, साथ साथ में हमारा शरीर भी खराब होगा। अभी कई बार देखा जाता है कि कई छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये कितनी बुरी बात है। तो इतने छोटे बच्चे ही ऐसा काम करने लगेंगे तो अभी से उसका शरीर तो खराब होगा ही, साथ में उसे पैसे भी बर्बाद होंगे। और यदि उसको घर में ऐसे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चोरी करने भी लगेंगे, क्योंकि उसे जो वस्तुएं चाहिए वो चाहिए ही है ना। तो यदि वो नहीं खरीद सकेंगे तो वो चोरियां करने लगेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। इससे बेटर ये है कि हम अच्छे व्यक्ति की संगति में रहकर और हमारी बर्बादी से बच सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। यदि अच्छी संगति रही, बॉयफ्रेंड हमारा पढ़ाई लिखाई में होशियार है, तो यदि हम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें उसे देखकर हमें भी प्रोत्साहित होंगे कि उसे इतने अच्छे मार्क्स आए तो क्यों मैं ना थोड़ी सी मेहनत करूं, मुझे कम से कम मैं पास तो हो जाऊंगा, बराबर है। उसके जैसे मार्क्स ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा तो आगे बढ़ूंगा। तो हमें इसीलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति जो है वो हमेशा मुसीबतों से हमें बचाते हैं, और हमारे जीवन में आए कोई भी मुसीबत हो तो उन्हें हमें दूर करने के लिए हमारी मदद करेंगे, और उनसे हमें जीवन में कैसे सुख शांति से रहना है वह तरीका भी मिलेगा। तो इसीलिए हमें अच्छे व्यक्ति की संगति जो है वो हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हो सकती है। तो इसीलिए हमें अच्छे व्यक्ति की संगति करना चाहिए, नहीं कि बुरी व्यक्ति की, बराबर है। तो चलो, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व कर लिए हैं। तो अभी अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन आंसर और वो सब समझेंगे, बराबर है, ऑब्जेक्टिव। तो अभी मैं आप सबको इसकी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, ताकि आप सब अपनी बुक्स में ये लेसन कंप्लीट करने लगे, बराबर है, और रिवाइज भी करने लगना। हम जितने हो सके उतने क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो शायद मुझे अगले लेक्चर में लेसन नंबर 6 जो है वो भी चलाना पड़े, बराबर है। तो इसलिए आप सबको अपनी फेयरबुक में ये लेसन जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ओके बेटा।